भाई और बहनों नमस्कार, युवाओं आप सबको नमस्कार। आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। कोविड का समय है, सवाल यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से आगे कैसे निकल गई। समय होता था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी होती थी। सरकार कहती है कारण कोविड है, मगर कारण कोविड है, कोविड तो बांग्लादेश में भी है, कोविड तो बाकी दुनिया में भी है, तो फिर अगर कारण कोविड है तो हिंदुस्तान पीछे कैसे रह गया। भाई और बहनों, कारण कोविड नहीं है, कारण नोटबंदी है, कारण जीएसटी है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया, आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वो ही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये झूठ था, आक्रमण आप पे हो रहा था, आपके पैसे को आपसे छीनकर नरेंद्र मोदी अपने चुने हुए 2-3 उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। आप लाइन में खड़े हुए, उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र नहीं थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा अपने मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ किया, 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, रास्ता साफ किया, छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, स्मॉल बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। रास्ता किसके लिए साफ किया? फिर से अपने चुने हुए 3-4 उद्योगपति मित्रों के लिए। और अब ये 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, किसानों को खत्म करने के कानून हैं, किसानों के खेत को उनके हाथों से छीनने के कानून है। भाई और बहनों, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो प्राइड हुआ करती थी, हिंदुस्तान की जो शान होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट कर दिया है। एक साथ मिलकर हमें हिंदुस्तान को फिर से बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।